Hey guys, welcome back to my channel. कैसे आप सब लोग? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ और टेक्स्ट यू मजिद में अभी सब लोग का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज का बारे में हम कुछ जानते हैं। मेरे कुछ दोस्त मुझसे पूछा कि भाई तू कुछ टैबलेट के बारे में कुछ वीडियो बना। तो मैंने कहा कि यार बहुत सही है, क्योंकि मेरे चैनल पर टैबलेट का कोई वीडियो नहीं है, तो मैंने सोचा कि टैबलेट का कोई वीडियो बना ही लेते हैं। तो चलिए गाइस उसके बारे में, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कॉमेंट जरूर करते हुए जाना। तो चलिए गाइस शुरू करते। तो गाइस, अगर आप टैबलेट खरीदना चाहते हैं तो कुछ चीजें आपको ध्यान में रखना होगा। पहली बात, मिनिमम 10 इंच का डिस्प्ले होना चाहिए, 10 इंच का डिस्प्ले होना चाहिए, और उसके साथ 7000 एमएएच का बैटरी। अगर आपको फास्ट चार्जर मिलता है उसी बजट में तो अच्छा है, पर मिनिमम आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि 18 वाट या फिर 20 वाट होना चाहिए आपके जो टैब आप खरीदना चाहते हैं उसके अंदर। और एक बात, आपके जो आप जो टैबलेट खरीदना चाहते हैं उसके मिनिमम जो कैमरा होना चाहिए वो 8 मेगापिक्सल का आपको कैमरा मिलना चाहिए, और उसके साथ जो डॉल्बी जो एटमोस्फियर का जो स्पीकर होता है, यानी देखा जाए तो जो क्वाइट स्पीकर होता है उसको आपको मिलना ही चाहिए। मिनिमम बजट आप रखिए, आप क्या बताओ, 40,000 टू 15,000 आपका बजट होना चाहिए, तभी आपको अच्छा से अच्छा टैबलेट आपको जरूर मिलेगा। और आज की जो वीडियो है, मिनिमम में 5 ऐसे बजट फुली टैबलेट बताऊंगा आप सभी लोगों के लिए जो आपके बजट के अंदर एक वैल्यूएबल एक प्रोडक्ट होगा, जो आपके डिस्प्ले, बैटरी और उसके साथ फास्ट चार्जर और जो सेल्फी या फिर जो रियर कैमरा जो होता है, जो फ्रंट कैमरा होता है, सबसे अच्छा उसी बजट के अंदर मैं आज 5 टैबलेट आपको बताऊंगा। तो ध्यान से सुनना गाइस, चलिए शुरू करते हैं। 5 पे आते हैं, सैमसंग गैलेक्सी का टैब A8। ये जो टैबलेट है इसके अंदर हमें डिस्प्ले देखने को मिलता है 10.5 इंच का फुल FHD प्लस TFT डिस्प्ले। इसके जो प्रोसेसर आता है वो है यूनिसॉफ्ट का T618 का प्रोसेसर। जो बैटरी हमें देखने को मिलता है वो है 7040 mAh का एक बिग बैटरी देखने को मिलता है, और 15 वाट का चार्जर। और इसका जो कैमरा है वो 8MP का रियर और 5MP का फ्रंट कैमरा होता है। और इसके बजट की अगर हम बात करें तो गाइस 19,999 रुपए का वाईफाई वेरिएंट, ध्यान से सुनिए, वाईफाई वेरिएंट ये है 19,999 रुपए का वाईफाई वेरिएंट, जो 4GB प्लस 64GB के अराउंड आता है। और 20,990 रुपए का LTE वेरिएंट। नंबर 4 पे हम आते हैं, वो है रियलमी पैड। जो ये जो रियलमी जो पैड है ये सबसे कम प्राइस में सबसे वैल्यूएबल प्रोडक्ट माना गया है। इसका जो डिस्प्ले है वो है 10.4 इंच का 2K LCD डिस्प्ले, और इसका जो प्रोसेसर है वो है हीलियो G80 का प्रोसेसर। ये प्रोसेसर अच्छा है, थोड़ा बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है। जो बैटरी हमें देखने को मिलता है इसके अंदर वो है 7100 mAh का एक बिग पावरफुल बैटरी देखने को मिलता है, और इसके जो चार्जर है वो है 18 वाट का, बहुत ही अच्छा एक बैटरी और चार्जर का एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट रियलमी ने लॉन्च किया है। और इसका जो बजट है वो है 17,999 रुपये का LTE 4GB 64GB, और इसका जो कैमरा है वो है 8MP रियर और 8MP फ्रंट का। तो गाइस नंबर 3 पे जो हम आते हैं वो है ओप्पो पैड यार। ये ओप्पो का एक फुल्ली बजट पैड है, डिस्प्ले हमें देखने को मिलता है 10.36 इंच का डिस्प्ले, 2K LCD डिस्प्ले। इसका जो प्रोसेसर है वो है स्नैपड्रैगन का 680 प्रोसेसर। ये जो स्नैपड्रैगन का जो 680 प्रोसेसर है बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है, बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है। इसका जो बैटरी है वो है 7100 mAh का एक बहुत ही बिगेस्ट बैटरी, और इसके साथ जो चार्जर आता है वो है 18 वाट का चार्जर। और जो कैमरा की हम बात करें वो है 8MP का रियर और 5MP का फ्रंट कैमरा, और इसकी बजट है 16,999 रुपए का। और गाइस जो नंबर 2 पे हम आते हैं वो है मोटो टैब G62। गाइस ये जो नंबर 2 पे और नंबर 1 पे जो मैं दोनों का चीज में बता रहा हूँ, ये बहुत ही क्या बताओ गाइस बजट फुल्ली टैब है। ये जो मोटो का जो अभी मैंने दूसरे नंबर पे जो जिक्र किया है, इसका जो पैड है ये पैड बहुत ही फुल्ली और बहुत ही दमदार पैड है। और जो नंबर 1 पे जो पैड अनाउंस करूंगा वो भी जरूर से जरूर ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये दो पैड बहुत ही अच्छा पैड है, बहुत ही अच्छा और बजट फुल्ली पैड है। इसके ऑल फीचर्स जरूर देखना गाइस। तो देखिए ये जो मोटो टैब G62 का जो पैड है, इसके जो डिस्प्ले आता है वो है 10.6 इंच का 2K LCD डिस्प्ले। इसका जो प्रोसेसर आता है वो है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 680 प्रोसेसर। और जो बैटरी देखने को मिलता है इसके अंदर वो है 7700 mAh का एक बिगेस्ट बैटरी का है, 7700 mAh का जो बैटरी हमें देखने को मिलता है। उसके अंदर जो चार्जर है वो है 20 वाट का चार्जर। और कैमरा की अगर हम बात करें वो है 8MP का रियर कैमरा और 8MP का फ्रंट कैमरा। और इसके बजट जो वाईफाई जो वेरिएंट है वो है 15,999 रुपए का, और जो LTE वेरिएंट वो है 17,999 रुपए का।
गाइस अब हम आते हैं नंबर वन पे, जो नंबर वन का जो पैड है गाइस, थोड़ा सा बजट क्या बताओ 20,000 के आसपास है, पर सबसे वैल्यूएबल पैड है जो 20,000 के अंदर, जो ये जो नंबर वन पे जो मैंने पैड रखा है, ये पैड सबसे वैल्यूएबल है और ये किस कंपनी का है, वो है रियलमी का। तो गाइस देखना एक बार, नंबर वन पे जो पैड है वो है रियलमी पैड एक्स। रियलमी पैड एक्स का जो ये जो पैड है वो फुल्ली बजट फुल पैड, क्योंकि इसका जो डिस्प्ले आता है वो है 10.95 इंच का, सबसे बिगेस्ट वाला डिस्प्ले, 10.95 इंच का सबसे बिगेस्ट वाला डिस्प्ले वो है 2K LCD डिस्प्ले, और जो बैटरी आता है वो है 8340 mAh का बैटरी, 3040 mAh का बैटरी गाइस, सबसे बिगेस्ट बैटरी, और 33 वाट का चार्जर, फास्ट चार्जर, बहुत ज्यादा फास्ट चार्जर हमें मिलता है 33 वाट का। जो कैमरा आता है वो है 30MP का रियर कैमरा, 8MP का फ्रंट कैमरा, और इसके जो प्रोसेसर है वो है स्नैपड्रैगन का लेटेस्ट प्रोसेसर, वो है 695 प्रोसेसर, और इसका जो बजट है वो है वाईफाई वेरिएंट 19,999 रुपए, और जो LTE वेरिएंट वो है 24,999 रुपए। तो गाइस ये जो पांच पैड मैंने बताया है, ये पांच पैड में सबसे दो पैड जो मैंने नंबर दो और नंबर एक पे रखा वो है मोटो का जो G60 जो पैड मैंने दूसरे नंबर पे रखा, और जो रियलमी पैड एक्स जो मैंने एक नंबर पे रखा, ये दो पैड सबसे बजट फुल्ली और सबसे वैल्यूएबल पैड है। अगर आप एक पैड खरीदना चाहते हैं तो ये दो पैड सबसे ज्यादा बेहतरीन पैड है गेमिंग के लिए, मल्टीमीडिया के लिए, और अगर आप कुछ ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट करते हैं तो आप इसमें सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि ऑल ओवर देखा जाए तो बड़े बैटरी मिलता है आपको, ज्यादा बड़ा डिस्प्ले मिलता है, और फास्ट चार्जर इंपॉर्टेंट गाइस, फास्ट चार्जर दोनों में है, और जो प्रोसेसर वो है लेटेस्ट जनरेशन का प्रोसेसर हमें देखने को मिलता है। तो गाइस ऑल ओवर देखा जाए तो बहुत ही बढ़िया पैड है। तो गाइस कैसा लगा मेरा वीडियो, लाइक कमेंट जरूर कीजिए, और ऐसे ही टेक इन्फॉर्मेशन में अभी सभी लोगों के लिए लेके आऊंगा। तो चलिए गाइस, बाय, टेक केयर।